पहले से अंदेशा लगाया। देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निकल चुके हैं राजेश ठाकुर और जो प्रभारी हैं वो निकल चुके हैं, तो ऐसे में अब लोगों के निकलने का सिलसिला जो है बारी बारी से शुरू हो चुका है राजभवन से। तो अब शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हो चुका है और आज फिर से एक बार जो है मंत्री के रूप में कई विधायकों ने शपथ लिया, जिसमें कि दो नए चेहरे जो है वो शामिल हुए, बसंत सोरेन जो कि जेएमएम से विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। दूसरा जो नया चेहरा है वो है दीपक बिरुआ जो कि जेएमएम से विधायक हैं। जोबा मांझी को रिप्लेस किया गया, जोबा मांझी जो पहले समाज कल्याण मंत्री थी उन्हें जो है रिप्लेस किया गया, उनके जगह पर अब दीपक बिरुआ को लाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हेमंत कैबिनेट का चंपई कैबिनेट का जो है विस्तार हो चुका है और जो नए चेहरे शामिल होने थे वो भी हो चुके हैं। लेकिन सीता सोरेन का जो नाम काफ़ी सुर्खियों में था, काफ़ी चर्चा में था कि सीता सोरेन जो है मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, वो तो इतना तक कह चुके थे कि बस मंत्री पद का शपथ ले लूं फिर विभाग भी तय हो जाएगा। तो इस कड़ी तक पहुंचकर आखिर क्यों नाम कटा है उनका, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक मंत्री के सूची में यानी कि जो आज मंत्री पद के शपथ लेने वाले नेताओं की लिस्ट भेजे गए थे विधायकों की, उसमें जो नाम हटाए गए हैं अंतिम क्षण में बैजनाथ राम का, क्या यही वजह तो नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से जो 12वें मंत्री पद का डिमांड किया जाता जा रहा था, जो नाराजगी थी कांग्रेस के विधायकों में, तो कहीं मनाने की कोशिश हुई है या फिर एक जो सीट है वो खाली रखा गया कि अगर सीता सोरेन की तरफ से कोई विरोध के स्वर बुलंद होते हैं तो फिर उन्हें जो है मंत्री के पद पर शपथ दिलाया जा सके। तो अब इंतजार करना होगा सीता सोरेन के उस रिएक्शन का कि जब वो ये कह रही थी कि गुरु जी का आशीर्वाद मिल चुका है तो आखिर दिक्कतें कहाँ आई, किस चीज को लेकर के वो आज कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुई हैं। तो अब जब जेएमएम के और कांग्रेस के नेता निकलेंगे तब हम उनसे भी बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस की नाराजगी जो है अभी भी विधायकों की बरकरार है। जब विधायक आ रहे थे राजभवन तब कई ने कहा था कि हम अभी भी नाराज हैं और आगे खेला होगा, ये शब्द का भी प्रयोग किया गया। तो अब देखना होगा कि झारखंड में जो ये चंपई सोरेन की सरकार बनी है वो कितने सफल तौर पर जो है काम कर पाती है, क्या अपनों से ही उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं तो ऐसे में आगे जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं राजभवन के सामने से, जहाँ की अब लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अब संपन्न हो चुका है। अच्छा, ऐसे में देखिए एक चीज और भी देखने को मिली कि जैसे कांग्रेस के जिन विधायकों ने आज शपथ ली, तीन लोगों ने मंत्री बने जो पहले थे वो अब भी जो मंत्री, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, तो वो जो खुशी, एक खुशी होती है, वो खुशी दिखी नहीं उनके चेहरे पर जो दिखनी चाहिए थी। ये यही कारण है कि यही तनाव रहा, जो 107 कमरे में इतनी मीटिंग चली और विधायकों ने विरोध दर्ज कराया तो उन्हें भी एक तनाव है कि पता नहीं हमारा ये जो मंत्री पद है कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। देखिए जो आखिरी वक्त में जो कांग्रेस के विधायकों के द्वारा विरोध किया गया उसके बाद ही यह स्थिति बनी है कि जो लोग मंत्री पद के शपथ के लिए भी पहुंच रहे थे उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखी। तो हम कह सकते हैं कि स्थिति अभी भी तनाव का है। जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने ये कहा है कि अब भी हमारी नाराजगी दूर नहीं हुई है, इरफान अंसारी ने इतना तक कहा कि अधिकारी सुनते नहीं, हमारी बात मानते नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास होता नहीं, यहाँ तक कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मंत्रियों के काम जो हैं जीरो हैं। तो जब अपने ही नेता अपने मंत्री के काम को जीरो बता रहे हैं तो दूसरा क्या तारीफ करेगा। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ हमारे सहयोगी उदय भी मौजूद हैं, उदय से जानते बैजनाथ राम के नाम को अंतिम क्षण में हटाना क्या और सीता का कैबिनेट में शामिल नहीं होना क्या दिखता है। देखिए बिल्कुल, सीता सोरेन खुलकर ये बात कह रही थी कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर उन्हें नहीं बुलाया गया तो ये अपने आप में बड़ी बात है और जाहिर सी बात है कि ये परिवार का एक तरह से विरोध, अंतर्विरोध भी सामने आ गया है। वहीं बैजनाथ राम काफी हताश और निराश होंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हुए थे और पूरी तैयारी थी कि वो भी शपथ लेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से दावा ठोंक दिया गया कि ये जो 12वां मंत्री है ये हमें मिलना चाहिए। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये गुंजाइश नजर आ रही थी कि अगर एक मंत्री जो नाराज
नाराज हैं विधायक, एक मंत्री उनमें से नया चेहरा मौका दिया जा सकता है क्योंकि पुराने मंत्रियों के चेहरे तो बदले नहीं गए और इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ काफी देर तक। और बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक यहाँ आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो चूंकि प्रभारी महोदय ने उन्हें उनसे रिक्वेस्ट किया कि कम से कम एकजुटता का संदेश जाए, तो वो सभी यहाँ आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके बाद फिर बात होगी। जाहिर सी बात है काफी रिस्क मैनेजमेंट का मामला भी है और काफी मुश्किल से उन्हें मनाकर यहाँ लाया गया है। और ऐसे में भजनाथ राम को शपथ नहीं दिलाना, वाकई में वो काफी हताश और निराश होंगे। लेकिन मदन, सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस में अब ये जो विवाद है, या फिर जो, क्योंकि दो नए चेहरों को मौका मिला जेएमएम की तरफ से, वसंत सोरेन को मौका मिला, दीपक बिरुआ को मौका मिला, जोबा मांझी ड्रॉप की गई, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पास ये सवाल है कि आखिर हम में से किसी को क्यों नहीं मौका दिया गया। कई नए चेहरे थे, कई दावेदार थे, और अब जेएमएम ने दो चेहरे बदले तो कांग्रेस में भी ये उम्मीद जगी थी कि हमें भी मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब इसका रिएक्शन क्या कुछ आता है ये देखने वाली बात होगी। मगर महज कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने एक तरह से अपने विरोध को रोकने की कोशिश की थी कि हम अगर पुराने चेहरों को ही मौका देते हैं फिर से तो ये विरोध नहीं होगा, लेकिन वो फॉर्मूला भी अब काम नहीं आया। कांग्रेस के विधायकों का विरोध जो है खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस को ये लग रहा होगा, क्योंकि लगातार आकलन किया जा रहा था कि अगर अभी पुराने चेहरों के बदले नए चेहरों को मौका देता है, क्योंकि दावेदार कई थे, ऐसा नहीं था कि दो तीन चेहरे थे, अनूप सिंह थे और महिला ब्रिगेड पूरी थी, दीपिका पांडे, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा, नीरज सिंह और कई ऐसे लोग हैं जो पहले से नाराज चल रहे थे कि उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि जब सरकार का गठन हो रहा था तब भी उन्हें कहा गया था कि दो साल बाद, ढाई साल बाद हम मंत्रियों के परफॉर्मेंस का आकलन करेंगे और उसके बाद हम बदलाव करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसे लेकर नाराजगी थी, तमाम लोग सवाल उठा रहे थे। अब अगर दो तीन नाम रहते तो हो सकता है बदलाव हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो कम से कम 7-8 ऐसे दावेदार थे जिनकी मजबूत दावेदारी थी, और ऐसे में कुछ चेहरों को चूज करना तब स्थिति संभालने लायक नहीं रहती। और चूंकि अभी कांग्रेस आलाकमान को लग रहा है कि अगर पुराने चेहरों को मौका देते हैं तो स्थिति को संभाला जा सकता है, शायद उसके बनिस्बत वो जो स्थिति होती वो विस्फोटक होती, लेकिन अभी नाराजगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका रिएक्शन क्या आता है। लेकिन अब चूंकि 10 दिन बाद 15 दिन बाद आचार संहिता लागू होने वाली है, अगर प्रभारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम आकलन करेंगे परफॉर्मेंस का और फिर बदलाव करेंगे, तो ये अब बस बातें हैं और बातों का क्या है, अब यही कहा जा सकता है क्योंकि ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव मई में जाकर खत्म होंगे, उसके बाद महज सरकार को 3 महीने काम करने का मौका मिलेगा और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में नहीं लगता कि अब नए चेहरों को मौका मिल पाएगा। एक खबर आ रही है कि मदन, ऐसा हम उदय से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सीता सोरेन का नाम बार बार उठ रहा है, लेकिन एक चीज और भी है सीता सोरेन को लेकर, यह भी सामने आ रहा है कि भाई सीता सोरेन को लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारी के लिए उनको टिकट दिया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बेटी को भी विधानसभा सीट के लिए लड़ाया जा सकता है, तो इस बात पर सीता सोरेन को राजी किया गया हो। देखिए, सीता सोरेन की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन इस पर नहीं आए हैं और भविष्य में क्या होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से सीता सोरेन ने अपने आप को एक नाराजगी के बाद सामने लाया, जो प्रकरण हुए थे उसमें सीता सोरेन गायब थी, जो बैठकें हो रही थी उसमें वो नहीं आ रही थी, लेकिन जब विधानसभा के विशेष सत्र में वो पहुंची तब वो कह रही थी कि गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया है, मंत्री बनना तय हो चुका है, सिर्फ एक औपचारिकता जो है वो पूरी होंगी और फिर मंत्री पद के लिए वो उनका नाम जो है सबसे आगे होगा, मंत्री पद की शपथ लेंगे और फिर विभाग भी मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कांग्रेस के प्रेशर में बैजनाथ राम के नाम को हटाया गया है। जो जानकारी मिल रही है इसमें कांग्रेस के नेता जो है वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलते हैं और फिर वो जो है कहते हैं कि 12वां मंत्री का नाम कैसे भेजा जा रहा है, तो फिर आखिरी वक्त में इसी वजह से जो है बैजनाथ राम के नाम को हटाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं अब ये जो तस्वीरें हैं वो बदली है कि अब राज्यपाल के सामने जब शपथ ग्रहण समारोह होता है उससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो सूची को पढ़ते हैं कि आज राज्यपाल के आज्ञा से इन इन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।